वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर फूड ब्लॉग। तो अभी बज रहा रात के 8:30 और मुझे बनाना है डिनर, और आज मेरे घर में डिनर पे बन रहा है लिट्टी चोखा। तो चलो गाइस, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी बिहार के ऑथेंटिक स्टाइल में एक लिट्टी चोखा। कोशिश करूंगी क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखते हैं कैसा बनता है। तो चलो, ऐसे भी ऑलरेडी लेट हो चुका है, 8:30 बज चुका है, टाइम लगेगा, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। लेट्स गो गाइस। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग चोखा के लिए प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए मैंने लिया एक बैंगन और 5 टमाटर। टमाटर सस्ता हो गया गाइस, तो डोंट वरी, यूज़ कर लो अच्छे से, क्योंकि इसमें मेन इंग्रेडिएंट है टमाटर। टमाटर के बिना अच्छा नहीं लगता है। ये टमाटर ले लिया मैंने, देखो बड़ा बड़ा गोल गोल, पका हुआ टमाटर चाहिए, कच्चा मत ले लेना। और एक बैंगन से आई थिंक हो जाना चाहिए, चलो देख लेंगे, अगर नहीं हुआ तो एक और बैंगन यूज़ कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो हम लोग बैंगन को पकाने से पहले उसको बीच से काट के चेक कर लेते हैं कहीं कीड़ा वेड़ा तो नहीं, क्योंकि बाहर से तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, अंदर में ही कीड़ा रहता है, वरना कीड़ा को भी पका देंगे और तंदूर बन जाएगा उसको और वैसे ही खा लेंगे। छी, तो हाँ एकदम ठीक है, अब चलो इसको पकाते हैं। मैंने 4-5 लहसुन की कलियाँ डाला है इसके अंदर, ये साथ में हम लोग पकाएंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा था, स्मेल भी अच्छा था, आप लोग भी ट्राई करके देखना। तो चलो इसको अच्छे से दोनों तरफ से एकदम पका लेते हैं और साथ में टमाटर को भी पका लेते हैं। तो ये देखो, मैंने ये रोटी सेकने वाला जो होता है ना, उसमें मैंने एक साथ सारा रख दिया, इससे क्या है ना कि ये जल्दी हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, एक एक करके नहीं करना पड़ेगा, तो ईजी हो जाएगा काम। जब तक हमारा बैंगन और टमाटर सब पक रहा है, तब तक मैं आती हूँ इस कुत्ते को घुमा के, क्योंकि इसको अभी वॉक पे जाना है, क्योंकि इसको आ गया है सुसू। सुसू आ गया, चलो जाए, चलो आती हूँ मैं इसको घुमा के, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमारा टमाटर हो गया रेडी, देख सकते हो इसको उठा रहे हैं कैसे सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम लोग इसको रख देते हैं साइड में पानी में डुबो के ठंडा होने के लिए, ताकि हम लोग इसको जल्दी से ठंडा हो जाए और इसको स्मैश कर सके। तो हाँ, और मैंने बैंगन एक और पकाया है, क्योंकि एक बैंगन में होता नहीं। खैर चलो, इसको रख देते हैं साइड में और आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम लोग करेंगे सबसे मेहनती काम, वो है चॉपिंग। तो मैंने ले लिया ढेर सारा हरा मिर्च, 3 लहसुन, 2 प्याज। मैंने इतना हरा मिर्च इसलिए लिया है क्योंकि हम चोखा बना रहे हैं उसमें भी जाएगा और जो स्टफिंग तैयार करेंगे उसमें भी जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही बार में चॉप कर लेते हैं। हमको लगता है प्याज और हरा मिर्च से हो जाएगा, बट लहसुन कम पड़ जाएगा। खैर देखते हैं, अभी तो पहले इसको तो कर लेते हैं भाई चॉपिंग, चलो। गाइज, आई एम डन विथ चॉपिंग। ये हरा मिर्च, ये प्याज और ये लहसुन, जो कि बहुत मेहनत लगा, एकदम छोटा छोटा काटना है, बारीक काटना है, जितना छोटा काटोगे उतना अच्छा होता है। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग करेंगे स्टफिंग पे काम, उसके लिए हम लोग लेंगे सत्तू। मैंने 4 कप सत्तू लिया, देखना सत्तू ही लेना, बेसन मत ले लेना, क्योंकि मैं तो हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ सत्तू और बेसन में, उल्टा ले लेती हूँ, तो देख लेना भाई। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे नमक, मैंने 2 टेबलस्पून नमक ऐड करा है, आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर लेना। और फिर हम डालेंगे इसमें अजवाइन, इससे टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद फिर हमने जो चॉप करा है वो डाल देंगे, लहसुन मैंने सारा ऐड कर दिया है, चोखा के लिए अलग से काट लूँगी, उसके बाद फिर प्याज और हरा मिर्च, और देख लेना अगर ज़्यादा तीखा वाला हरा मिर्च होगा तो सारा मत ऐड करना, वरना फिर तीखे के हमारे हालत ख़राब हो जानी है। उसके बाद आते हैं हम लोग मेन चीज़ में, जो कि मेरे घर पर यूज़ होता है अचार का तेल। बहुत कोई यूज़ करता है कच्चा सरसों का तेल, बट मेरे घर पर अचार का तेल यूज़ होता है, उससे ना मतलब
और अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है, करना आप लोग भी करके ट्राई करना कभी। तो अचार का तेल डाल देंगे, 2-3 अचार भी डाल देंगे, उससे खट्टापन आ जाता है क्योंकि फिर हम लोग को लेमन जूस ऐड नहीं करना पड़ेगा, इसी से हो जाएगा काम। तो चलो अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से एकदम। लो जी, ये हो गया हमारा मिक्स, और मैंने इसमें और ज़्यादा ऑयल ऐड करा क्योंकि कम पड़ गया था। और हाँ, टेस्ट कर लेना, टेस्ट करने से पता चला मेरे को कि नमक ज़्यादा हो गया, तो अब हम लोग आटे में नमक नहीं डालेंगे। तो चलो आगे करते हैं, हम लोग चोखा बनाएंगे। तो मैंने बैंगन का ऊपर वाला छिलका हटा दिया है, और टमाटर, और हाँ आलू लेना था 2, वो मैंने बताना भूल गई थी उस टाइम पे। और हाँ, ये जो लहसुन है ये हमने जो बैंगन के साथ पकाया था वो ले लेंगे, और 2-3 लाल सूखा मिर्च मैंने जलाया था, उससे टेस्ट अलग हो जाता है चोखा का। चलो स्मैश कर लेते हैं सब। लो जी, अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे लहसुन और चॉप करा हुआ हरा मिर्च, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे बचा हुआ जो प्याज था वो, उसके बाद जाएगा इसमें कच्चा सरसों का तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा डालना, उससे जितना ज़्यादा डालोगे उतना अच्छा टेस्ट हो जाता है चोखा का। और मेन चीज़ है कि मेरे पास हरा धनिया नहीं था यार, आप लोग के पास होगा तो ऐड करना, वो भी और ज़्यादा टेस्ट इन्हांस कर देता, अब मेरे पास था नहीं तो मैं क्या ही करती। खैर, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया स्टफिंग में मेरा ज़्यादा नमक हो गया, तो इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना फिर तो खाने लायक ही नहीं बचेगा। अब इसको हम लोग रख देते हैं ढक के आराम से साइड में, अब उसके आगे का प्रोसेस। मम्मी ने एक काम इजी कर दिया मेरा, मम्मी ने आटा गूंथ लिया है, नॉर्मल जैसे आटे रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना हम लोग डेली बेसिस पे, वैसे ही गूंथना है, बस इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के गूंथते हैं ताकि वो सॉफ्ट रहे। ऑयल मतलब आप, मैंने तो रिफाइंड यूज़ करा, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो जो आपको मन, बस ऑयल डाल के गूंथ लेना, उसके बाद चलो आगे का काम करते हैं। अब इस स्टफिंग को इस डो पे हम लोग फिल करेंगे, तो ज़्यादा डिफिकल्ट काम कुछ नहीं है। देखो ऐसे हम लोग गोल गोल लड्डू टाइप शेप दे देंगे पहले, उसके बाद फिर थोड़ा दबा के उसके बाद बीच में एक थंब रख के फिर हम लोग इसको कटोरा शेप में बनाएंगे। बीच में थोड़ा गड्ढा टाइप्स करना ताकि स्टफिंग आराम से इसमें चला जाए। हम लोग देख लेना, बड़ा बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा डो मतलब ये करना गोल सा बनाना, अगर कम छोटा बनाना है तो कम आटा लेना, उसके बाद फिर इसमें स्टफिंग भरेंगे। मैं तो ज़्यादा ज़्यादा स्टफिंग भरती हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा पर्सनली ज़्यादा सत्तू पसंद है। तो अब इसको हम लोग ऐसे उंगली से दबा दबा के फिर स्टफिंग डालेंगे ना, तो थोड़ा ज़्यादा फिल हो जाता है, ज़्यादा मत डाल देना वरना पता चला वो निकल जाने, मतलब आगे से डाल के पीछे से निकल जाना। तो ऐसे करके अब हम लोग इसको दबा देंगे, उसके बाद फिर इसको हम लोग बंद कर देंगे, उसके बाद ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा जो आ जाता है ना उसको हम लोग हटा देंगे, उसके बाद इसको ऐसे देख हो गया, कितना ईजी था, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो अब बाकी का भी मैं कर लेती हूँ आराम से, यहाँ पे खड़ा हो के पैर दुख गया है, बैठ के आराम से मम्मी का हेल्प लेके इसको सारा हम लोग पहले भर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको सेंकेंगे या फिर फ्राई करेंगे, जो भी करेंगे आगे बताती हूँ। चलो गाइज, इतना हम लोग पहले सेंक लेते, उधर मम्मी भर रही है, मैं इधर सेंक रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाना है ना, फिर रात हो गया। तो चलो इसको रख देते हैं एक ही साथ सब, ताकि एक साथ सब हो जाए, नहीं तो एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और धीमी आंच में करना है ताकि अगर हाई कर देंगे ना हम लोग तो बाहर से तो पक जाएगा बट अंदर से नहीं पकेगा, बाहर से जल जाएगा, पकेगा नहीं वो जल जाएगा, एकदम काला हो जाएगा, फिर खाने में तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे सेंकना है ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए और बाहर से भी पक जाए, दोनों तरफ से ऐसे ही कर लेना है। उसके बाद जैसे ही हो जाए फिर हम लोग, मैंने घी गरम करा है उसमें हम लोग डुबो के फिर उसको निकाल लेंगे, इसी प्रोसेस से बाकी सारा कर लेते हैं। सो गाइस, आज हम लोग 2 टाइप का लिट्टी बनाएंगे, एक सेंका हुआ जो हो रहा है और एक फ्राई वाला। तो मैंने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले लिया, अब इसमें हम लोग एक एक करके लिट्टी डाल देंगे। इसको भी हम लोग मीडियम मतलब लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि बाहर और अंदर दोनों तरफ से पक जाए, क्योंकि हाई फ्लेम में पकाएंगे तो फिर बाहर पक जाएगा और अंदर नहीं पकेगा, बाहर लगेगा रेड हो गया है तो मतलब हो गया है बट अंदर से कच्चा रह जाता है। चलिए इसको भी धीमे धीरे धीरे पकाएंगे हम लोग ताकि दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए और दोनों तरफ से एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए, उस टाइम पे समझ जाना कि हो चुका है। इसका भी अलग टेस्ट है गाइस, करके देखो, खा के देखो, मज़ा आ जाना है।
तो ये देखो मैंने अपना प्लेट रेडी कर लिया है, 2 सेका वाली लिट्टी और 2 फ्राई लिट्टी। देख सकते हो कितना टेस्टी दिख रहा है, उतना ही खाने में भी टेस्टी है गाइस। आप लोग भी ट्राई करो और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आप लोगों को भी कैसा लगा ये लिट्टी, होममेड लिट्टी। अभी तक तो कहा बाहर ही खाया था मैंने भी फर्स्ट टाइम होम मतलब घर पर बनाया है। तो चलो खाते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और मुझे बहुत तगड़ा वाला भूख लग भी चुका है। तो चलो गाइस खा के मिलती हूँ। सो गाइस आ गई मैं डिनर करके, बहुत मेहनत लग गया भाई बनाने में, पैर दुख गया मेरा खड़ा हो, अकेले करना पड़ता है भाई। मेन चीज़ तो लहसुन को छीलते छीलते मेरा तो हालत ख़राब हो गया, मतलब कम से कम मैंने 4-5 कलिया वाला गोटा लहसुन तो छीला ही होगा क्योंकि इसमें लहसुन तो जाता ही अच्छा खासा। खैर बहुत कुछ मिस्टेक हुआ, फर्स्ट टाइम में था, मिस्टेक तो होगा ही, मिस्टेक से ही सीखते हैं लोग। मेरे को पूछा जाए तो मेरे को फ्राइड वाला ज़्यादा अच्छा लगा, तो अब जब भी बनेगा फ्राइड वाला बनेगा। और हाँ चोखा भाई, इतना सारा टमाटर डाला मैंने, देखा आपने 5-6 टमाटर डाला फिर भी खट्टा नहीं हुआ, टमाटर ही खट्टा नहीं था तो मज़ा नहीं आया चोखा। एक चोखा भी है जो टमाटर की वजह से खट्टा नहीं हुआ, तो फिर मैंने नींबू डाला तब वो थोड़ा खट्टा हुआ। तो खैर इतना मेहनत करा है मैंने तो व्लॉग डालना तो बनता है, अगले बार फिर बनाएंगे तो जो मिस्टेक अभी करा था वो नहीं करेंगे। तो चलो यही था आज का, बहुत लेट हो गया गाइस, 12 बजे जा रहा है और थोड़ा जल्दी शुरू करते तो थोड़ा जल्दी हो जाता, बट खैर कोई बात नहीं, लेट हो गया तो क्या कर सकते हैं। चलो जाती हूँ, अब सोती हूँ क्योंकि कल कॉलेज जाना है। बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, बाय बाय।